जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सात श्लोकों के माध्यम से परमात्मा की वंदना की। कई संत अलग अलग व्याख्या करते हैं कि साथ ही क्यों, अरे उनके मन में आया होगा उस समय साथ ही लिख दिया होगा। श्लोक का लाभ उठाइए, उस स्तुति को गाइए, लेकिन प्रश्न कि साथ ही क्यों, आठ क्यों नहीं। जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, आठ भी बहुत अच्छा है, नौ पूर्ण अंक है, नौ क्यों नहीं। और भगवान का जन्म नवमी में हुआ है तो नौ क्यों नहीं, साथ ही क्यों। तो अलग अलग संत अलग अलग तर्क भी देने लगते हैं कि साथ क्यों। तो किसी ने कहा शायद गोस्वामी जी ने ये समझ लिया होगा, सप्त दीपा वसुंधरा, सात दीपों में ये धरा बटी हुई है और सातों दीपों पर रामचरितमानस के कथा का राज होगा, इसलिए सात श्लोक लिखे। किसी ने कहा इतनी सी बात नहीं, रामचरितमानस मनुष्य जीवन के व्यवहारिक पक्ष से जुड़ा हुआ है और सात फेरे लेके विवाह होते हैं, इसलिए सात, शायद इसलिए सात, और सात जन्म के लिए लगते हैं इसलिए सात, और सात ही वचन बोलते हैं, संकल्प लेते हैं, इसलिए सात। किसी योगी ने कहा नहीं, बिना समाधि में गए, बिना कुंडलिनी जागृत हुए सिद्ध कोई होता नहीं, और जब सातवां चक्र जग जाए सात ही चक्र, इसलिए सात। मूलाधार से सहस्रार तक सात चक्र है, तो शायद इसलिए साथ कि साथ में और लोक भी है साथ। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, सात लोकों की कथा होती है, तो शायद सातों लोक में ज्ञान जाए इसलिए साथ। तो किसी संगीतकार ने कहा नहीं, संगीत के साथ सुर है, शायद इसलिए साथ। और सुर से याद आया कि संगीत के जो सुर है, सुर क्या है, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न पावा, सुर दुर्लभ। ये सुर क्या है, इधर भी सुर है, अरे सुर का मतलब है जो सिस्टम में रहे, जो लय में रहे, जो नियम में रहे, जो अनुशासन में रहे, जो व्यवस्था में रहे, और जो व्यवस्था से, नीति से, मर्यादा से बाहर जाए वो असुर। जो सिस्टम में रहे, समाज की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, शास्त्रों की मर्यादा, जो लिमिटेशंस हैं उसको फॉलो करे तो सुर है वो। संगीत के साथ सुरों का लिमिटेशन है, और जितना बांधा गया उसी में रहे तो सुर में, नहीं तो बेसुरा है, मतलब असुर है, उसके बाहर जाए तो असुर है। समाज की व्यवस्था में अगर नियम कानून और अनुबंधों का उल्लंघन करते हैं तो असुर है। तो सात सुर है संगीत के। किसी ने कहा कि सुर रंग भी तो साथ ही है, सारी दुनिया सात रंगों से ही बनी हुई है, इससे ज्यादा रंग होते नहीं। सूर्य भगवान की किरणें साथ हैं, सूर्य भगवान के घोड़े के रथ साथ हैं, सब साथ साथ। तो किसी ने कहा हफ्ते में दिन भी तो साथ ही है, और सप्तऋषि भी तो साथ ही है, साथ का बड़ा लंबा खेल है, शायद इसलिए साथ। और रामचरितमानस में कांड भी तो उतने ही है, तो शायद एक एक कांड के लिए कर दिया होगा। अब कारण कोई भी रहा हो